जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, YouTube वीडियो की स्क्रिप्ट लिखना एक टाइम कंज्यूमिंग वर्क होता है। इसमें अगर आप अपनी YouTube वीडियो की स्क्रिप्ट लिखने बैठ जाते हो तो अपनी एक शॉर्ट वीडियो की स्क्रिप्ट लिखने में भी आपको एक घंटा तक लग सकता है, क्योंकि स्टार्टिंग में इतना ज़्यादा आपको आइडिया नहीं आता किस तरीके से YouTube वीडियो की स्क्रिप्ट लिखनी चाहिए, किस तरीके से वीडियोज़ को इंगेजिंग बनाने के लिए एक शॉर्ट वीडियो या फिर लॉन्ग वीडियो की स्क्रिप्ट लिखनी चाहिए। तो इसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए मैं आपको एक ऐसा AI टूल बताने वाला हूँ। AI टूल तो उसके बारे में सभी लोगों को पता है, क्योंकि वो अभी के टाइम काफ़ी ज़्यादा चर्चा में चल रहा है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, जगह जगह AI टूल्स की बातें की जा रही हैं। तो वैसे एक टूल मैं आपको आज बताने वाला हूँ, जिसका नाम है ChatGPT। ChatGPT की हेल्प से आप कई सारे वर्क्स कर सकते हो। तो उसमें एक अपना खुद का वर्क भी आप कर सकते हो, वह है अपनी YouTube वीडियो की स्क्रिप्ट आप ChatGPT से लिखवा सकते हो। काफ़ी सारे लोगों को इस बारे में पता होगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनको इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। इसकी खास बात और बता दूं, अगर आप अपनी YouTube वीडियो की स्क्रिप्ट हिंदी में लिखवाना चाहते हो, देखो कई सारे लोग सोचते होंगे कि ये सिर्फ इंग्लिश में ही वर्क करता है, ऐसा नहीं है। आप कमांड इंग्लिश में दोगे और आपको स्क्रिप्ट हिंदी में चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे स्क्रिप्ट चाहिए है एक YouTube वीडियो की, अगर फॉर एग्जांपल देखें अपने इंडिया के बारे में फैक्ट्स के ऊपर, मुझे मान लीजिए कोई एक स्क्रिप्ट चाहिए इंडिया के ऊपर, तो मैं वहाँ पर जाकर डायरेक्ट टाइप करूँगा राइट ए YouTube वीडियो स्क्रिप्ट, मैं वर्ड्स दूंगा उसको, मैं मेरी जितनी बड़ी लिखवाना चाहता हूँ उसके हिसाब से दूंगा। फॉर एग्जांपल मुझे एक लंबी वीडियो की स्क्रिप्ट लिखवानी लॉन्ग वीडियो की, तो मैं उसको डायरेक्ट कमांड दूंगा कि आप 3000 वर्ड्स या 4000 वर्ड्स में एक YouTube की लॉन्ग वीडियो की स्क्रिप्ट लिख दीजिए इस टॉपिक के ऊपर, खाली आपको इतना करना होता है। मैं आपको आगे चलकर प्रैक्टिकली भी करके दिखाने वाला हूँ, लेकिन आपको सिर्फ एक बात इसमें ध्यान रखनी है, वो बात वो ये है कि उसमें आपको फैक्ट्स चेक करने होंगे। फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए अपने इंडिया के ऊपर उसने एक वीडियो की स्क्रिप्ट लिखी है और उसने पॉपुलेशन बता दी, मान लीजिए उसमें उसने एक पॉइंट डाला है पॉपुलेशन का, तो इंडिया की पॉपुलेशन आपको ज़रूर चेक करनी चाहिए गूगल के ऊपर क्या है, उसके ऊपर क्या है। इस तरीके के जो फैक्ट्स होंगे वो आपको खाली चेक करने हैं, बाकी आप उसमें थोड़ा बहुत फेरबदल भी करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज़ वो आपको एक अच्छी वीडियो की स्क्रिप्ट तैयार करके दे देता है। आप शॉर्ट वीडियो की भी करवा सकते हो, लॉन्ग वीडियो की भी करवा सकते हो। चलिए अब इसको प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है, जैसे मैंने क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लिया है और ऊपर सर्च किया है ChatGPT। आप इसकी जगह पर ओपन AI भी सर्च कर सकते हो, मैंने खाली यही किया है ChatGPT, तो मैं इसको सर्च कर देता हूं। सर्च करने के बाद मुझे कुछ ऐसा ऑप्शन देखने को मिलेगा, openai.com की जो वेबसाइट है ये वाली फर्स्ट वाली, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। देखो मैं आपको चाहो तो लैपटॉप या कंप्यूटर में भी करके दिखा सकता हूं, बट मोस्ट ऑफ द जो न्यू क्रिएटर्स होते हैं उनके पास फोन होता है, मतलब फोन ऑलमोस्ट सभी के पास अवेलेबल है, तो वो इसमें कर सकते हैं। ऐसे इंटरफेस देखने को मिलेगा और यहाँ पर जब आते हो एक नीचे ऑप्शन देखने को मिलेगा यहाँ पर ट्राई ChatGPT, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद ऐसा कुछ इंटरफेस देखने को मिलेगा, यानी कि मैंने ऑलरेडी इसमें अपना अकाउंट बना रखा है। तो अगर आप चाहो अकाउंट बनाना तो आपको ईमेल डालनी होगी जो आपको स्टार्टिंग में बोली जाएगी, ट्राई ChatGPT के ऊपर क्लिक करोगे, अपना खुद का एक पासवर्ड क्रिएट करना होगा, खाली बस इतना सा काम है। उसके बाद यहाँ पर नीचे आप देखिए सेंड ए मैसेज जो लिखा हुआ है इसके ऊपर आपको डालना है। जैसे यहाँ पर मैं डालता हूँ राइट ए यूट्यूब शॉर्ट वीडियो स्क्रिप्ट ऑन, यहाँ पर मैं डाल देता हूँ कुछ भी, जैसे इंडिया में सर्च करता हूँ इन, जैसे मैं डालता हूँ 100 वर्ड्स इन हिंदी डाल के यहाँ पर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, और जैसे ही ये देखो स्क्रिप्ट बनाने वाला है। अब देखो हिंदी में स्क्रिप्ट आ रही है, देखिए आप इस तरीके से आप अपनी YouTube वीडियो की स्क्रिप्ट यहाँ से बना सकते हो। लेकिन मैं दो बात फिर से बोल देता हूँ, एक तो आप अपने इसमें फैक्ट चेक कर लेना, फैक्ट जो दिए जाते हैं स्क्रिप्ट ये जो बनाकर तैयार करती है उसमें अपने फैक्ट खुद के चेक कर लेना, और दूसरी चीज़ ये है कि आप बिल्कुल सेम टू सेम मत डालना। देखो कोई इशू तो नहीं होगा, लेकिन थोड़ा अपना आइडिया भी लगा लेना, थोड़ा आइडिया आपको यहाँ से मिल जाएगा, थोड़ा खुद का बना लोगे तो इससे है ना तो इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ेगा ऑडियंस के ऊपर, आप कनेक्ट कर पाओगे ऑडियंस के साथ। कनेक्ट करने के लिए आप इस तरीके से स्क्रिप्ट तैयार कर सकते हो, अदरवाइज़ आप बिल्कुल सेम टू सेम भी डाल सकते हो, कॉपीराइट वगैरह का कोई क्लेम आपको देखने को नहीं मिलेगा।